Subscribe now to receive new updates every day. बॉलीवुड के साथ हॉलीवुड में अपनी अदाकारी के जलवे बिखेर रही एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा आज अपना 35वां बर्थडे मना रही हैं। प्रियंका का जन्म 18 जुलाई 1982 को जमशेदपुर शहर के टाटा मेन हॉस्पिटल में हुआ था। यहां उनका घर और ननिहाल भी है। जमशेदपुर में जन्मी एक्ट्रेस प्रियंका के पिता अशोक चोपड़ा भारतीय सेना में डॉक्टर थे। इनके पिता अम्बाला के रहने वाले थे। नौकरी में ट्रांसफर की वजह से चोपड़ा फैमिली लद्दाख, लखनऊ, बरेली और पुणे जैसे शहरों में रही। इस वजह से प्रियंका के बचपन का काफी हिस्सा लेह, बरेली जैसे शहरों में गुजरा। प्रियंका का भाई सिद्धार्थ चोपड़ा उनसे 7 साल छोटा है। एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और मीरा चोपड़ा इनकी कजिन हैं। प्रियंका की शुरुआती शिक्षा ला मार्टिनियर गर्ल्स स्कूल से हुई थी। नानी रही बिहार में विधायक। प्रियंका की नानी मधुज्योत्सना अखौरी के पति डॉक्टर एम के अखौरी जमशेदपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। उनका परिवार यहां आदित्यपुर एम टाइप दुर्गा पूजा मैदान के पास रहता था। मधु अखौरी ने पहली बार कांग्रेस के टिकट से वर्ष 1962 में जमशेदपुर सीट से चुनाव लड़ा था। उसके बाद 1967 में दोबारा जमशेदपुर पूर्व से लड़ी थी, जिसमें वे विजयी रही थी। इसमें उन्हें कुल 17,083 मत मिले थे। वह ट्रेड यूनियन से भी जुड़ी हुई थी। उन्हें जेम कोतार कंपनी ट्रेड यूनियन का अध्यक्ष भी चुना गया था। इसके माध्यम से उन्होंने मजदूर हित में कई काम किए थे। फिल्म की शूटिंग देखने पहुंची थी नानी। प्रियंका चोपड़ा की नानी मधुज्योत्सना अखौरी को फिल्मों में भी काफी रुचि थी। वह मुंबई में रहते हुए प्रियंका के फिल्मों की शूटिंग देखने के लिए भी सेट पर पहुंचती थी। मधु अखौरी का 2016 में मुंबई में निधन हो गया था। 13 साल में US चली गईं। अपनी 13 साल की उम्र में प्रियंका पढ़ने के लिए US चली गईं। यहां वो अपनी चाची के घर पर रहीं। उन्होंने न्यूटन मैसाचुसेट्स और सिडार रैपिड लोवा से पढ़ाई की। स्कूलिंग के दौरान ही प्रियंका ने थिएटर और म्यूजिक के गुर सीखने शुरू कर दिए थे। म्यूजिक में मिस चोपड़ा ने क्लासिकल, कोरल और डांस में कथक सीखा। उन्हें ग्लैमर वर्ल्ड के प्रति इतना लगाव था कि वे बचपन से ही हीरो हीरोइन के फोटो संभाल कर रखती थीं। इंडिया वापस आने के बाद वे बरेली के सेंट मरिया गोरटी कॉलेज में पढ़ने गईं। थैंक फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब नाउ टू रिसीव न्यू अपडेट्स एवरी डे। And don't forget to drop a like, leave a comment.